आपको मूल अधिकार हम बता रहे थे और हमने आपको बताया था कि जो मूल अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध हमें उपलब्ध हैं। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये राज्य ने हमारे मूल अधिकार का हनन किया है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा राज्य से करते हैं। संभावना इस बात की होती है कि राज्य जो है निरंकुश होकर व्यक्ति के अधिकारों को छीनना चाहता है। इसीलिए जो है जितने भी सभ्य समाज हैं जहां पर संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्था चलाई जा रही है, वहां नागरिक अधिकार अथवा मूल अधिकार के रूप में कुछ ना कुछ जो है दिया गया है। अब जब राज्य के विरुद्ध है तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर राज्य क्या है, किसको हम राज्य मानेंगे। उसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 12 मूल अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12, उसमें जो है राज्य बताया गया कि क्या क्या चीजें राज्य होंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जैसे कि राज्य क्या होगा, केंद्र की जो संसद होगी, केंद्रीय संसद, ये कोई कानून बनाती है तो यह माना जाएगा राज्य ने ऐसा किया है, यह राज्य का कानून है। और राज्य का कानून मूल अधिकार को ना तो कम कर सकता ना छीन सकता है। केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो यह माना जाएगा कि राज्य ने अध्यादेश के माध्यम से यह काम किया है। अब वो अध्यादेश अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि राज्य ने मूल अधिकार का उल्लंघन किया। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट, वहां पर कई सारे निर्णय किए जाते हैं, बहुत से रूल रेगुलेशंस वहां से इशू किए जाते हैं, ऑर्डर जारी किए जाते हैं, नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं। अगर उन ऑर्डर, उन नोटिफिकेशन, उन रूल और रेगुलेशन से अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये माना जाएगा कि राज्य ने मूल अधिकार का उल्लंघन किया। क्यों? क्योंकि राज्य क्या है, राज्य है यूनियन एग्जीक्यूटिव है, केंद्रीय कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति भी आ रहा है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उनकी पूरी मंत्रिपरिषद आ रही है। इसी प्रकार से जो चीज केंद्र के बारे में सही माना गया है वही राज्यों के स्तर पर भी सही माना गया है कि राज्य में भी अगर जो है राज्य की विधानसभाएं हैं ये राज्य के दायरे में आती हैं। राज्य की जो सरकार है, जो राज्य की कार्यपालिका है जिसमें राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट है, इनका कोई भी डिसीजन ये माना जाता है कि राज्य ने डिसीजन किया है। वो डिसीजन अगर मूल अधिकारों का वायलेशन कर रहा है तो ये मानेंगे कि राज्य ने किया है। इसके बाद आगे बताया गया है अनुच्छेद 12 में कि जितने भी स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ये जो भी काम करते हैं वो सब ये माना जाता है कि राज्य ने किया है। फिर आगे कहा गया इसके अलावा अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज, यहां पर यह बताया गया है कि इनके अलावा ऐसी कोई भी एजेंसी जो राज्य के द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें राज्य ने अपनी पूरी कैपिटल लगाई है, अथवा कोई ऐसा व्यवस्था, ऐसी निकाय, ऐसी बॉडी जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, एडेड है, ग्रांटेड है, कोई भी ऐसी संस्था जहां पर खास खास अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, तो वो सब राज्य है। डीएम, डीएम क्या है, राज्य है। एसएसपी क्या है, ये कोई ऑर्डर इशू करता है, एसएसपी कोई रूल निकालता है या डीएम रूल निकालते हैं तो ये माना जाएगा कि ये राज्य ने किया है। कानपुर यूनिवर्सिटी राज्य है क्योंकि तो राज्य के द्वारा वित्त पोषित होगी, राज्य के द्वारा स्थापित होगी, यहां पर जो कुलपति की नियुक्ति की गई होगी वो राज्य के द्वारा की गई होगी, तो कानपुर यूनिवर्सिटी राज्य है। और वो कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकालती है, कोई ऐसा रूल निकालती है तो माना जाएगा राज्य ने ऐसा किया है। माने कानपुर यूनिवर्सिटी ऐसा कोई रूल रेगुलेशन या नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं इशू कर सकती जिससे किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो। ठीक, तो इस प्रकार से बताया गया, बहुत सारी चीजों को बताया गया कि सारी चीजें राज्य हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो संस्थाएं जो प्राइवेट हैं वो भी राज्य माने जाएंगी अगर वो प्राइवेट बॉडी राज्य की तरफ से राज्य के काम को कर रही है, यूं कहें राज्य की एजेंसी के रूप में काम कर रही है, राज्य के एजेंट के रूप में काम कर रही है तो वो राज्य है। ये सारी बातें आपको पिछली क्लास में बताई जा चुकी हैं, तो ये चीज यहां स्पष्ट कर दी जाती है कि राज्य क्या है। अब अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा
जो मूल अधिकारों को कम करता हो या मूल अधिकारों को छीनता हो। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, जो मूल अधिकार के असंगत हो। तो अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा। और अगर राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसा कानून जो है असंवैधानिक होगा, अवैध होगा। अब उस कानून की समीक्षा कौन करेगा कि जो कानून बनाया गया है असंवैधानिक है, अवैध है, ये कौन निर्धारित करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अर्थात अनुच्छेद 13 जो है हमारी न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। ठीक। अब कानून किसे कहेंगे? अनुच्छेद 12 से कहता है कि राज्य क्या है। मूल अधिकार कहते हैं कि हमें मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तो अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य ये होगा। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को कम करे, मूल अधिकार को छीने, मूल अधिकार के असंगत हो। तो कानून किसे कहेंगे? क्या क्या चीज मानी जाएगी कानून? तो अनुच्छेद 13 इसको डिफाइन करता है, इसके बारे में बताता है कि किन किन चीजों को हम मानेंगे ये कानून है। और वो कानून जब मान लेंगे कि ये चीजें कानून है तो वो कोई ऐसा काम ना कर पाए जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक। तो अनुच्छेद 13 यह बताता है कि कानून की परिभाषा में क्या क्या आएगा, कानून में क्या क्या शामिल है। तो पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 13 में क्या आपको लिखाया था? लिखाना है तो देखिए, विधि में निम्नलिखित, निम्नलिखित शामिल है, विधि में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, विधि में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। नंबर 1 है संसद या राज्य विधानसभाओं, संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून। ये विधि है, ये लॉ है। संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून। लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून। ठीक। ऐसे कानून जिनको संसद बनाती है या विधानसभाएं बनाती हैं, इनका काम ही कानून बनाना, तो ऐसे कानून कहा जाता है स्थायी विधि, परमानेंट लॉ। ऐसे कानून को स्थायी विधि कहते हैं। लिख लीजिए, अर्थात स्थायी विधि, अर्थात स्थायी विधि, परमानेंट लॉ। ये तो आप लोगों को पता है ना कि संसद का काम ही है कानून बनाना, राज्य विधानसभाओं का काम है कानून बनाना। संसद पूरे भारत के लिए कानून का निर्माण करती है, राज्य विधानसभाएं अपने राज्य के लिए कानून का निर्माण करती हैं। तो इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है हम उसको परमानेंट लॉ कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कानून में किस चीज को शामिल करेंगे? हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, मालूम है आप लोगों को। इसी प्रकार से राज्यों के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ये भी अध्यादेश जारी करते हैं। ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है? देखिए, जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है और हमें कानून की जरूरत है, संसद का सत्र तो अपने समय से चलेगा और फिर कानून बनने की पूरी प्रक्रिया है, वहां पर प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें बहस होगी, फिर उसको पारित कराया जाएगा, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उसमें सिग्नेचर करेंगे। हो सकता है एक सदन से प्रस्ताव पारित हो जाए, दूसरे सदन जाके अटक जाए, गतिरोध हो जाए, फिर संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। कानून के प्रस्ताव को किसी खास विधेयक, किसी खास कमेटी के पास भेजा जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया होती है कानून निर्माण की। और संसद वर्ष भर काम नहीं करती है, संसद बीच बीच में काम करती है। संसद के 3 सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है और
बजट और शीतकालीन सत्र होता है और मानसून सत्र होता है, तीन तीन महीने बाद हो जाते हैं। हाँ, तीन तीन चार चार महीने में, वर्ष में तीन जो है सत्र होते हैं। बजट सत्र जो अप्रैल में होता है, उसके बाद जो है मानसून सत्र और जो है शीतकालीन सत्र। ठीक, मानसून सत्र जो होगा जुलाई में होगा, जुलाई में। ठीक है, मानसून जुलाई में होगा। बजट सत्र जो होगा आपका फरवरी में शुरू होगा, और जो शीतकालीन होगा वो जो है दिसंबर जनवरी में होगा। ठीक है ना, जो मानसून सत्र होता है वो फरवरी से आरंभ होता है। नहीं, सॉरी, जो बजट सत्र है वो फरवरी से शुरू होता है, फरवरी से, और वो जो है करीब अप्रैल तक चलता है। तो जब सत्र शुरू होगा तब कानून बनेगा, और सरकार को अचानक कानून की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। वो अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कानून का होता है, बस शर्त यह होती है कि जब संसद का सत्र आरंभ किया जाएगा तो उस अध्यादेश को संसद के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर पारित होना पड़ेगा। अगर पारित हो जाता है तो फिर स्थायी कानून बन जाता है, तो अगर पारित नहीं होता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है संसद के द्वारा। कानून बनाने का काम संसद का है। अब संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है और सरकार को कोई काम के लिए कानून की जरूरत है। सरकार बगैर कानून के कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, सरकार मनमाने तरीके से कोई काम नहीं कर सकती। सरकार कोई काम तभी कर सकती है जब उसके पीछे उसको अथॉरिटी ऑफ लॉ होगी। सरकार को कोई कर लगाना है तो कर क्या बिना कानून के कोई कर लगा लेगी? नहीं, पहले कोई कर से जुड़ा कोई कानून होना चाहिए जो सरकार को अथॉरिटी दे कि आप ऐसा कर लगाइए। सरकार कोई भी काम करना चाहती तो उसके पीछे लॉ की एक ताकत होती है। सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो कानून के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं करती है, सरकार सारे काम कानून के अनुसार करती है। और सरकार कोई नया काम करना चाहती है और उससे संबंधित कोई कानून नहीं है, तो सरकार ऐसे काम को तब तक नहीं कर पाएगी जब तक कि उससे संबंधित कोई कानून ना बन जाए, क्योंकि विधि का शासन हो रहा है, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन है, कानून का शासन है। बिना कानून के सरकार कोई काम नहीं कर सकती। सरकार कोई काम करना चाह रही है उसके लिए उसको कानून की जरूरत है, और अभी संसद का सत्र चल नहीं रहा है, काम जरूरी है। तो ऐसे समय में व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। जो काम हो चुका है वो मान रहेगा, आगे काम नहीं हो पाएगा। जो काम हो चुका है, जिस मान लीजिए कोई जज है, उसने कई डिसीजन दिए हैं, उसको जज बर्खास्त कर दिया गया भ्रष्टाचार के आरोप में सपोज, तो जज ने काम कर लिए हैं वो सब मान रहेंगे। मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, वहां मैंने जो काम किए हैं उसके बाद हम उस जॉब से हटा दिए जाते हैं, घूसखोरी में, किसी अन्य काम में, तो जो हमने काम किए हैं वो मान रहेंगे जब तक कि ये ना समझ आए कि ये काम ही गलत किए गए हैं। अगर काम गलत किए गए हैं तो इनकी समीक्षा करके उनको निरस्त किया जाएगा। वो तो कोई कानून भी अगर पारित हो जाता है संसद के द्वारा और लगता है कि कानून गलत है तो उसकी भी समीक्षा करके उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है। उसके द्वारा कोई अगर ऐसे काम किए गए हैं जो महसूस होता है कि इसको हट जाना चाहिए, तो कानून को फिर उस कामों को भी हटाया जाता है। ये अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से उसमें तय किया जाता है क्या किया जाए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, तो इन अध्यादेश को भी विधि माना जाता है। जब हम कहते हैं कि संसद को सरकार या राज्य कोई कानून नहीं बनाएगी, तो उस कानून में न सिर्फ संसद के द्वारा और विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून हैं, बल्कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश।
ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, अर्थात अस्थाई विधि। ये अस्थाई विधि है क्योंकि ये अध्यादेश का जो समय होता है, इनकी जो अवधि होती है अधिकतम 6 माह होती है। इस 6 माह में संसद का सत्र आरंभ हो जाता है और जैसे ही संसद का सत्र आरंभ होता है 6 सप्ताह के अंदर इसको वहां से पारित होना होता है, अप्रूव होना होता है। अगर पारित नहीं होता है तो यह अध्यादेश निरस्त हो जाता है, इसलिए इसको कहा गया यह अस्थाई विधि है। तीसरा, हाँ, नॉट परमानेंट। तीसरा है कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए नियम, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए नियम माने रूल, विनियम माने रेगुलेशन, रूल रेगुलेशंस, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए नियम, विनियम आदेश दैट इज ऑर्डर आदेश, अधिसूचना, उपविधियां बायलॉज, इनको भी कानून माना जाता है। ठीक, तो कानून के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? अगर संसद या विधायिका कोई कानून बनाती है, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं, या कार्यपालिका कोई ऑर्डर इशू करती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कानपुर डीएम कोई ऑर्डर निकालता है, ठीक, ये जो ऑर्डर है ये कहा जाएगा ये राज्य का कानून है। ठीक, और राज्य का कानून जो है व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, अनुच्छेद 13 ये तो कह रहा है। तो कानून में ये भी आ रहा है कि अगर कार्यपालिका कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन, कोई रूल रेगुलेशंस बना रहा है और उस रूल रेगुलेशन से किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यह माना जाएगा वो रूल रेगुलेशंस कानून है। और क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, अगर बनाता है तो न्यायपालिका उसका रिव्यू करके, जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, उसका रिव्यू करके उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसके अलावा कुछ रूढ़ियां होती हैं, कुछ प्रथाएं होती हैं जिनमें कानून की शक्ति होती है। तो अगर कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ ऐसी रूढ़ियां हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिनको समाज में इस प्रकार से मान्यता मिली है, मानो वो कानून है। देखिए, कुछ तो कानून होते हैं जो हमें मानना पड़ता है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी प्रथाएं होती हैं जो कानून नहीं है मगर उनको समाज उसी प्रकार से मानता है जैसे कोई कानून हो। तो ऐसी प्रथाएं भी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो ऐसी प्रथाओं को भी कानून माना जाएगा और कानून मान के न्यायपालिका द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। और अगर लगता है कि मूल अधिकार का वो वायलेशन कर रहा है, मूल अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। जैसे एक केस हम आपको बताते हैं, अभी सबरीमाला का केस है। सबरीमाला के केस में खास आयु वर्ग की महिलाओं को उस मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। अब ये जो है हमारे संविधान का कानून के सामने समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है। कानून के सामने समानता माने हर व्यक्ति चाहे स्त्री पुरुष हो, सबको बराबर अधिकार है। संविधान हमको जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता देता है, यह मूल अधिकार है। और किसी व्यक्ति को स्त्री होने के कारण आखिर वहां पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए? अनुच्छेद 25 का वायलेशन है। संविधान में मूल अधिकारों में कई जगह कहा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर माने स्त्री या पुरुष, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जेंडर के आधार पर भेदभाव है, लेकिन प्रथा चल रही है और प्रथा इतनी जबरदस्त चल रही है कि स्त्रियां वहां नहीं जाती, उनको जाने की अनुमति नहीं है। तो ये प्रथा है, कानून नहीं है, प्रथा है। मगर इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्त्रियां वहां पर जा सकती हैं पूजा के लिए, ठीक, क्योंकि यह हमारे मूल अधिकार का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसी प्रथा स्वीकार नहीं की जाएगी। सार इतना है कि न्यायपालिका राज्य के द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून की समीक्षा कर सकती है, अगर वो मूल अधिकार को कम करता है या छीनता है। अनुच्छेद 13 यह बताता है कि कानून के दायरे में क्या क्या आएगा। तो अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कानून के दायरे में वही बातें नहीं आती जो संसद या विधानसभाएं बनाती हैं, कानून के दायरे में वो बातें भी आती हैं जब राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं। कानून के दायरे में वो नियम, वो ऑर्डर, वो नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका इशू करती है। कानून के दायरे में वो प्रथाएं भी आती हैं जिसको संसद ने नहीं बनाया, जिसको राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा जारी नहीं किया, जिसको किसी सरकारी संस्था ने इशू नहीं किया, बल्कि वो सदियों से प्रथा के रूप में चल रहा है। और प्रथा के रूप में इस तरीके से चल रहा है कि उसको उतनी ही मान्यता मिल जाती है जैसे किसी कानून को मान्यता होती है, उस परंपरा को, उस रूढ़ को, जिसको कहते हैं कस्टम, वो कस्टम जो है उसको इतनी समाज मान्यता दे देता है जैसे किसी कानून को मान्यता दी जाती है और मनवाया जाता है। वो अगर कोई नहीं मान रहा है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसी प्रथाएं जिनको समाज इतना ज्यादा स्वीकृति दे देता है कि वो कानून के तरीके से ट्रीट की जाती हैं, तो उन प्रथाओं को भी कानून माना जाएगा और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा करेगा। और अगर पाता है कि ये व्यक्ति के मूल अधिकार को कम कर रहा है, छीन रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। और अगर पाया जाता कि वास्तव में ऐसा हुआ है तो ऐसी प्रथा को भी अवैध, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ये प्रथा का लिख लिया आपने, नहीं लिखा? देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी प्रथाएं और परंपराएं मोजा मोजा पहन के आया करिए आप लोग, पहना दिखाई नहीं पड़ा है? अच्छा, वो बस वो जो है सिर्फ सोल रहते हैं। अच्छा, ये नया फैशन होगा क्या? क्या हमें फैशन की जानकारी नहीं ना, क्या क्या फैशन चल रहा है। अच्छा, चलिए लिखिए प्रथाएं और रूढ़ियां, अंग्रेजी में कहेंगे कस्टम्स एंड यूजेस, प्रथाएं और रूढ़ियां जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है। कस्टम एंड यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, प्रथाएं और रूढ़ियां जिन्हें कानून की शक्ति प्राप्त है, ठीक। तो अनुच्छेद 13 ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को कम करता हो, छीनता हो। अनुच्छेद 13 ये बता रहा है कि ऐसा अगर कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका में उसको चुनौती दी जा सकती है, न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। माने अनुच्छेद 13 जुडिशियल रिव्यू का पावर न्यायपालिका को दे रहा है। अनुच्छेद 13 ये कह रहा है कि ऐसा कानून को न्यायपालिका समीक्षा करके असंवैधानिक और अवैध करार देगी, ठीक। मगर आगे एक अपवाद रखा गया है, कहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, मूल अधिकारों को खत्म किया जा सकता है, ये इसका अपवाद है। संविधान संशोधन के द्वारा माने संसद के द्वारा जो सामान्य कानून बनाया जाता है उस कानून के द्वारा मूल अधिकार को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा, कार्यपालिका कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करेगी, ऐसी कोई प्रथाएं भी नहीं चलेंगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
लेकिन संविधान संशोधन करके किसी भी मूल अधिकार को हम खत्म कर सकते हैं, उसको मूल अधिकार के चैप्टर से भाग 3 से उसको हम हटा सकते हैं, माने वो मूल अधिकार रहेगा ही नहीं, या उस मूल अधिकार को हम कम कर सकते हैं। संविधान संशोधन इसका अपवाद है, ठीक। मगर केशवानंद भारती केस 1973 में यह निर्धारित किया गया कि ठीक है, भले ही संसद को सामान्य कानून से मूल अधिकार को उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, और संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, माने उसको खत्म किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, मगर कोई मूल अधिकार अगर संविधान का मूल ढांचा है, कोई मूल अधिकार अगर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है, तो ऐसे मूल अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता, क्रम नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर कोर्ट में इस प्रकार से अपील की जाती है, कोर्ट में इस प्रकार से चैलेंज किया जाता है कि इस संविधान संशोधन में जिसने मूल अधिकार को कम किया है या मूल अधिकार को खत्म कर दिया है, यह संविधान संशोधन ने जो है, यह संविधान संशोधन जो है जिस मूल अधिकार को खत्म कर रहा है, वो मूल अधिकार हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे संविधान संशोधन को भी निरस्त कर दिया जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। जैसे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के केस में कहा, बॉम्बे केस में, कि धर्म निरपेक्षता हमारा मूल ढांचा है। अब बार ये कोई संविधान संशोधन करके मूल ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, कोई संविधान संशोधन मूल अधिकार में किया गया और उससे लगता है कि नागरिक के पास जो धार्मिक स्वतंत्रता है या अंतःकरण की स्वतंत्रता है उस पर चोट लग रही है, तो ऐसे संविधान संशोधन को चैलेंज किया जा सकता है। इस संविधान संशोधन द्वारा हमको जो अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसका वायलेशन हो रहा है और वो हमारा जो है मूल ढांचा है, तो फिर उस संविधान संशोधन की समीक्षा की जाएगी, और अगर पाया जाता वास्तव में बात ऐसी है तो ऐसे संविधान संशोधन को भी अवैध माना जाएगा। सार इतना है कि संविधान संशोधन की समीक्षा सामान्य तौर पर नहीं की जाती है, कोई कानून की समीक्षा की जाती है। संविधान संशोधन एक विशेष कानून है। कानून की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता ऑर्डिनरी लॉ, जिसको भी हमने बताया संसद ने कोई कानून बनाया ये ऑर्डिनरी लॉ है जो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। विधानसभा ने कोई कानून बनाया ये ऑर्डिनरी लॉ है जो सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, ये कानून है। लेकिन जब हम संविधान का संशोधन करते हैं तो वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होता, वहां पर विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तो वो साधारण कानून नहीं है। संविधान संशोधन के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी समीक्षा नहीं की जाती, मगर समीक्षा तब की जा सकती है कि कोई चैलेंज करे कि संविधान संशोधन के द्वारा जो कानून बनाया गया है उससे मूल ढांचे का वायलेशन हो रहा है। तो अगर ऐसी बात है कि मूल ढांचे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फीचर है, अगर वो वायलेट हो रहा है तो फिर संविधान संशोधन की भी समीक्षा की जाएगी और उस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसी बात आती है कि वास्तव में इसने मूल ढांचे को तोड़ा है, मूल ढांचे को विकृत किया है, इसमें आप समझा गए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए अपवाद। टाइम कितना हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, 10:11 बजे आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, लिखिए अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन, संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन करके मूल अधिकारों में संशोधन करके इससे कम या समाप्त किया जा सकता है, इससे कम या समाप्त किया जा सकता है। ठीक, पैरा चेंज कीजिए और लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस ब्रैकेट में 1973 सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में यह निर्धारित किया कि संविधान संशोधन द्वारा किसी ऐसे मूल अधिकार में कोई कमी नहीं की जाएगी जो मूल अधिकार हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड on the ground that it amends a fundamental right that forms a part of basic structure of our constitution. क्या पूरा लिख रही हूँ, अंग्रेजी में भी लिख रही हूँ, हिंदी तो लिख चुकी हूँ ना। वो तो इसलिए हमने अंग्रेजी में बोला है कि तुमको हिंदी में कहीं कोई तकलीफ हुई हो तो उसको समझ लो। A constitutional amendment can be challenged in the Supreme Court on the ground that हमको खुद नहीं याद आ रहा क्या बोले। मैंने अंग्रेजी में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है। नहीं, हिंदी में तुम्हें कसर तुम्हें पता है, अब सेंटेंस नहीं बन रहा है। A constitutional amendment can be challenged in the Supreme Court on the ground that it violates a fundamental rights that form a part of basic structure of our constitution.
इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान संशोधन जिस मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, जिस मूल अधिकार को कम कर रहा है, वो मूल अधिकार स्वयं में आधारभूत ढांचे का हिस्सा है. जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है. संविधान का अनुच्छेद 25 हमको एक मूल अधिकार देता है कि हमें जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता है, हमें उपासना का अधिकार है. अब अगर कोई मूल अधिकार हमको उस उपासना के अधिकार से कोई ऐसा संशोधन किया जाता है मूल अधिकार में जो हमको उपासना के अधिकार के मूल अधिकार को कम कर रहा है या हमारे इस मूल अधिकार को छीन रहा है, तो ऐसे संविधान संशोधन को हम न्यायपालिका में चैलेंज कर सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा जो उपासना का अधिकार हमको दिया गया है मूल अधिकार के रूप में उसको छीना जा रहा है. और चूंकि उपासना का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा है, हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ऐसे संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगी. तो समान तौर पर संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है, मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है. साधारण कानून के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, संविधान संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है. और ऐसे संविधान संशोधन को तब तक चैलेंज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना करे. कोई डाउट? अब देखिए, जब न्यायपालिका, देखिए इससे एक बात समझ में आती है कि जो अनुच्छेद 13 है ये संवैधानिक प्रावधानों को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर सर्वोच्चता प्रदान करता है. ठीक, बस समझ आ रही है? तो लिखिए नोट, नोट करके लिखिए नोट, NOTE नोट, नोट. अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर, अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर, अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को सर्वोच्चता प्रदान करता है. आर्टिकल 13 कन्फर्स सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर. अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर, अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, संवैधानिक प्रावधानों को सर्वोच्चता प्रदान करता है. इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं? क्लियर है ना? इसी बात को दूसरे तरीके से लिखिए, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है. इसी बात को हम दूसरे एंगल से कह रहे हैं, सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है. ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? कुछ नई बात तो नहीं है ना? उसी का सार है ये. ठीक, एंश्योर, आर्टिकल 13 एंश्योर्स द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13 एंश्योर्स
द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स। बात एकदम क्लियर है। देखिए ये जो न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति यहां पर दी गई है, अनुच्छेद 13 जो है जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका को अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देता है। पिछली क्लास में हमने आपको लिखाया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 13 जब दोनों को आप मिलाओगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर आ जाता है। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 जब दोनों को आप मिलाओगे तो हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर आ जाता है। हम जब कहते हैं जुडिशियल रिव्यू तो उसका अर्थ यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की समीक्षा करेगा जिस पर यह आरोप लगा है कि यह मूल अधिकार का वायलेशन कर रहे हैं या मूल अधिकार को कम कर रहे हैं, मूल अधिकार को छीन रहे हैं। ठीक, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है हमने यूएसए के संविधान से लिया है। क्लियर है, ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, जो न्यायिक समीक्षा या जो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, इसने जो क्या किया है, इसने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया जुडिशियल एक्टिविज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या बता दो, क्या बढ़ता जा रहा है आर्टिकल 13? ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हैं, बात वही है, उसको एंगल चेंज चेंज करके आपके सामने रखी जा रही, क्योंकि ये बदले हुए जो है दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा में होगा। चीजें बताई जा चुकी हैं मगर आप उसको तब भी ग्रास्प नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, तो हर चीज ही खोल खोल के लिखाई जा रही है। अनुच्छेद 13 को कभी दाएं तरफ से हम पढ़ते हैं, कभी बाएं तरफ से पढ़ते हैं, कभी ऊपर से दिखाते हैं, कभी उसको नीचे से उसकी तस्वीर दिखाते हैं। हर कोण से आपको 300 डिग्री 360 एंगल्स पूरा हम आपको आर्टिकल 13 का जो है व्यू दे रहे हैं कि अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संदर्भ में। वो हाँ वो समय नहीं मिल रहा है, मैं बिजी है ना, समय नहीं मिल पा रहा है। अगर सिर्फ एक ही चीज को हम देखें, जैसे पॉलिटी भी देख रहे हैं, किसी दूसरे बैच में जाकर हम वहां जो है इकोनॉमी भी देख रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को अगर देखें तो समय मिल जाता है, इसे समय नहीं मिल पा रहा है। अब कल यहाँ पर पढ़ाना था आपको जो है ये, और हम कल पढ़ते रहे बैंकिंग, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपोरेट क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इन चीजों में उलझे हुए थे। हाँ संविधान सभा आते हैं, वो संविधान सभा ऐसा है कि अगर उसके आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, PDF दे दिया जाएगा तो आपको याद कर लेंगे आप। जहां पर हमको एक्सप्लेन करना है, जहां पर हमको इंटरप्रिटेशन करना है, जहां पर हमें एनालिसिस करना है, हम उन चीजों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दो तरह की चीजें हैं, एक जगह हमको चीजों का विश्लेषण करना होगा, विवेचन करना होगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपको सिर्फ याद करना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर को हुई, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ये आपको याद करना है। तो इसके लिए तो हम आपको अगर PDF दे देंगे कितना नोट याद कर लीजिए, मगर अनुच्छेद 13 हमें आपको एनालिसिस करना है, ठीक है ना, इसलिए जो है उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। तो क्या लिखा है, लिखा क्या है, हाँ ये बताने जा रहे थे कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति ने न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियता की ओर धकेला। ठीक, इस न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायिक सक्रियता का जन्म हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म का जन्म हुआ। आप लोगों ने न्यायिक सक्रियता सुना है ना, मैंने साथ पढ़ाया भी है कि जब न्यायपालिका अपने कार्यक्षेत्र से आगे जाकर विधायिका या कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल देने लगती है तो कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई।
न्यायिक समीक्षा ने, लिखिए न्यायिक समीक्षा ने न्यायिक समीक्षा ने न्यायपालिका द्वारा है न्यायिक समीक्षा ने न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा ने न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया, न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया। आप लोगों को पता ना न्यायिक सक्रियता क्या होती है, कोई डाउट तो नहीं है? तो न्यायिक सक्रियता आई कहां से? इसी आर्टिकल 13 से, इसी आर्टिकल 32 से, इसी आर्टिकल 226 से। बात क्लियर है ना? क्योंकि न्यायिक सक्रियता कैसे पैदा होगी, जब हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, जब न्यायपालिका कहेगी लाइए कानून क्या बना हमको लाइए दिखाइए, कार्यपालिका ने कौन सा आदेश जारी किया था लाइए हम उसको चेक करेंगे, राष्ट्रपति ने कौन सा अध्यादेश जारी किया लाइए हम चेक करेंगे। तो जब कार्यपालिका के नियम को, विनियम को, उनके ऑर्डर को, उनके नोटिफिकेशन को न्यायपालिका जो है जांच कर रही है लाइए, विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका जांच कर रही है लाइए हम जब देखते हैं उसको क्या है। तो उस प्रकार से क्या हुआ, न्यायिक सक्रियता को जन्म मिला। तो न्यायिक पुनर्विलोकन ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया, कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट है। अब देखिए जब न्यायिक समीक्षा की जाती है तो न्यायिक समीक्षा करते समय सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ सिद्धांतों का अनुच्छेद 13 कुछ सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं सिविल की परीक्षा में, मगर हो सकता आगे पूछे जाए, तो इसका हम संक्षिप्त चर्चा आपसे करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 13 में 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। जब न्यायिक पालिका यह देखती है कि कोई कानून जो है अवैध है, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके साथ किस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाए, तो 3 सिद्धांतों का पालन करती है। देखिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। प्रिंसिपल, There are 3 principles to be followed during the judicial review of a law under Article 13. अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का पालन किया जाता है। देखिए पहला सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देखिए ग्रहण क्या होता है, मान लीजिए जो है सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण क्या हुआ, सूरज तो अपनी जगह है, बीच में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया। सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, सूरज बना हुआ है, मगर चंद्रमा ने सूरज को ढका है, और जहां चंद्रमा हटेगा वहां सूरज फिर चमक उठेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स या ग्रहण के सिद्धांत में यह कहा गया है कि मान लीजिए कोई कानून है, देखिए सीरियस होकर पढ़िए प्लीज, मान लीजिए कोई कानून है और वो कानून जो है तब का है जबकि अंग्रेजी शासन था, तब मूल अधिकार नहीं थे, उस समय उस कानून ने अपने बहुत सारे काम किए, अब जो है संविधान लागू हुआ, संविधान के द्वारा हमको मूल अधिकार भी दे दिए गए, हो सकता है इन मूल अधिकारों से अंग्रेजों के समय बनाया गया कोई कानून जो है असंगत हो, तो उस कानून साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। बात समझ आ रही है, वो कानून जब बने थे अंग्रेजों के तब मूल अधिकार हमारे पास नहीं थे, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हमको मूल अधिकार मिल गए, इस मूल अधिकार से उस समय का पहले का बना कोई कानून असंगत है, तो ये कहा गया ये मूल अधिकार उस कानून को ढक देंगे, उस कानून को निष्प्रभावी कर देंगे। ठीक, वो कानून बना रहेगा
लेकिन अब वो कानून ऑपरेट नहीं किया जाएगा। और जब कभी मान लीजिए मूल अधिकार में संशोधन होता है और ये मूल अधिकार हट जाता है तो कानून वो पुराना वाला फिर से एक्टिव हो जाएगा। इसको कहा गया ग्रहण का सिद्धांत। मैं समझ आई बात? चलिए दूसरे तरीके से हम समझाते हैं। मान लीजिए क्लास में कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो हमसे बहुत सारे प्रश्न कर रहा है, वो हम नाराज हो जाते हैं, तो हम उसको क्लास हटाते नहीं हैं, वो क्लास में पढ़ेगा। हम कहेंगे हमसे आप एक भी प्रश्न नहीं करोगे, अब हमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, हम पढ़ाते रहेंगे। लेकिन वो क्लास में रहेगा, किसी दिन हमको यहां से हटा दिया गया, यहां नया टीचर आ गया, अब नया टीचर पढ़ा रहा है, जैसे नया टीचर आएगा पढ़ेगा तो वो व्यक्ति फिर से एक्टिव हो जाएगा, वो अपने प्रश्न पूछने लगेगा, क्योंकि उसका झगड़ा हमसे था, हमने उसको यहां से हटाया नहीं, हमने उसको इनएक्टिव कर दिया कि मेरी क्लास में आप हमसे कोई प्रश्न करोगे। अब वो पॉलिटी में कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन क्लास में वो है। अब हम किसी ने हटा दिया, नया पॉलिटिकल टीचर आ गया, अब वो प्रश्न कर सकता है, जब तक हम थे हमने उसको रोक रखा था। एक तरीका ही होता है उसको हम जो है इस कोचिंग से ही भगा दें, तो कोचिंग से ही भाग गया, अब यहां कोई भी टीचर आए वो यहां रहेगा नहीं कभी। सार यह है कि अंग्रेजों के बनाए समय कोई कानून है जो मूल अधिकार का असंगत है, तब तो मूल अधिकार था नहीं, तब तो खूब काम कर रहा था वो, अब मूल अधिकार मिल गए, मूल अधिकार के आते ही उससे उसका विरोध हो गया, तो उस कानून को हमने हटाया नहीं, कानून की किताब ने उसको इनएक्टिव कर दिया, सुला दिया, मूल अधिकार से उसको ढक दिया कि अब आपका आप नहीं चलोगे, मूल अधिकार चलेगा। लेकिन कल को कभी संविधान संशोधन करके उस मूल अधिकार को हम हटा देते हैं, जैसे हमने संपत्ति के अधिकार को देखो हटाया, तो जैसे मूल अधिकार हटेगा तो वो कानून जो इनएक्टिव था मूल अधिकार की वजह से वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। यह है ग्रहण का सिद्धांत। इसी प्रकार से संविधान लागू होने के बाद भी बहुत से कानून बन रहे हैं, कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर भी जो है ये चीज लगाई जा सकती है। ठीक, बस समझ आ गई। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। एक है देखो, अभी जो हमने आपको बताया है वो हमने आपको बताया है ग्रहण का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत। अभी हमने आपको ग्रहण का सिद्धांत बताया, ग्रहण माने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण कहते हैं इक्लिप्स। कुछ ये स्पेलिंग है, क्या होगा, किसी होगा, हाँ अच्छा, माने ये नहीं होगा है, ये नहीं होगा है, डॉक्टर ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। क्लियर हो गया ना? दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत, अलग करना। ये बताता है कि कोई कानून है, कानून का कोई हिस्सा मूल अधिकार के असंगत है, पूरा कानून सही है, कानून का एक हिस्सा मूल अधिकार के संगत है, तो जो हिस्सा मूल अधिकार के संगत है न्यायिक समीक्षा में क्या किया जाएगा, उतने हिस्से को काट के अलग कर दिया जाएगा, बाकी पूरा कानून बना रहेगा। हाँ, जो असंगत हिस्सा है, सपोज कोई कानून है उसमें प्रोविजन एक, प्रोविजन टू, प्रोविजन थ्री, प्रोविजन फोर, प्रोविजन फाइव, तरीके से कई प्रोविजन हैं, कई सेक्शन हैं, और किसी एक शख्स पर लगता है कि ये जो है वायलेशन कर रहा है मूल अधिकार का, तो उस प्रोविजन को, उस सेक्शन को हटा देंगे, बाकी पूरा कानून जो है बना रहेगा। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, मान लीजिए लगता है कि उस जो है कानून में एक बड़ा पोर्शन मूल अधिकार के असंगत है, ठीक, बस इतना पोर्शन मूल अधिकार के अनुरूप है, ये तो सही मूल अधिकार के लायक है, बाकी कानून का बड़ा हिस्सा मूल अधिकार के संगत है, तो क्या किया जाएगा कि पूरे कानून को ही निरस्त कर दिया जाएगा। फिर कानून का एक बड़ा हिस्सा मूल अधिकार को वायलेट कर रहा है, सिर्फ एक या दो प्रोविजन जो है मूल अधिकार के अनुरूप है,
अकेले फिर उन एक या दो प्रोविजन को बना के नहीं रखा जाएगा, पूरे पूरे कानून को हटा देंगे। ठीक, मान लीजिए लगता है कि कोई कानून इस प्रकार का है जिसमें जो असंगत हिस्सा और संगत हिस्सा, जो मूल अधिकार के अनुरूप है और जो मूल अधिकार का उल्लंघन में है, ये सारे हिस्से आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि इनको पृथक नहीं किया जा सकता, तो भी पूरे कानून को हम हटा देंगे। हाँ, क्योंकि वो इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं संगत और संगत हिस्सा कि उनको हम काट के अलग नहीं कर सकते। कोई कानून है, कई सारी धारा है, ये धारा संगत है, ये संगत है, ये संगत है, ये संगत है, अब बीच बीच में अगर हम चीजें हटा दें तो उसका कानून कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो पूरे कानून को नष्ट कर देंगे। सार ये है कि पृथक्करण के सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि क्या जो हिस्सा मूल अधिकार को वायलेट कर रहा है हम उसको काट के अलग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसको काट के अलग कर देते हैं, बाकी कानून बना रहता है, वो अगर ऐसा संभव नहीं है तो पूरे कानून को हम निरस्त कर देते हैं। ठीक, तीसरा सिद्धांत उसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। दूसरा लिखिए डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत, अधित्याग, इसको कहते हैं वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत, ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकता। संविधान ने हमको जो मूल अधिकार दिए हैं उन मूल अधिकार को हमें मानना पड़ेगा, हमको अधिकार नहीं कि हम इस मूल अधिकार को छोड़ते हैं, आप नहीं छोड़ सकते। हमें जीने का अधिकार दिया गया है, हम जीवन के अधिकार को छोड़ सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, हम अपने जीवन के अधिकार को छोड़ते हैं, हम मृत्यु का वरण करते हैं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा आपको, आप हत्या नहीं करने दी जाएगी। अगर आप हत्या करते हो तो आप मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, आप अपने मूल अधिकार को छोड़ रहे हो और आपको मूल अधिकार छोड़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक, ये तीसरा है, लिख लिया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अगर आप हत्या करने जा रहा होता है, ये एक ऐसा अपराध है, अगर आप करने में सफल हो गए तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अगर आप करने में चूक गए तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। ये कैसा अपराध है कि अगर आप नहीं कर पाए, करने की कोशिश क्यों कर नहीं पाए, आओ फिर अब कानून तुमसे निपटेगा, और अगर करने में आप सफल हो गए तो फिर आप मुक्त हो, फिर कानून आप पे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सार यह है कि मूल अधिकार का हम त्याग नहीं कर सकते। ये सारी चीजें स्टेटमेंट में आपसे आएंगी, निम्नलिखित में से मूल अधिकार के बारे में क्या सत्य है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, मूल अधिकार का हम त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि मूल अधिकार का हम त्याग नहीं कर सकते। ठीक, कुछ ऐसा समझ में कोई बात नहीं आ रही है, आप हत्या करने का तो कोई रीजन वैलिड माना ही नहीं जाता है, आप आत्महत्या कर रहे हो उसके पीछे कोई रीजन वैलिड नहीं माना जाता। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हाँ, उस पर तो चलेगा। हाँ, लेकिन जिसने अपराध किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसने अपराध किया, जो मर गया है, जिसने मूल अधिकार का त्याग किया है ना, अगर वो ना मरे सर, हाँ, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, उस पे भी होगी और जिसकी वजह से किया उसके हाँ। तो ये तीन सिद्धांत अनुच्छेद 13 में, ये तीन सिद्धांत हैं, एक तो ग्रहण का सिद्धांत है, दूसरा अधित्याग का सिद्धांत है, एक पृथक्करण का सिद्धांत है। ठीक, इस प्रकार से आपका अनुच्छेद 13 कंप्लीट हुआ। देखिए, बताने को अभी भी यहाँ पर बहुत कुछ बताया जा सकता है, माने अधित्याग के बारे में आपको लिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप शासन से बगावत कर रहे हो, शासन ने संविधान ने आपको मूल अधिकार दिया है, आप होते कौन मूल अधिकार को छोड़ने वाले, आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप मूल अधिकार को छोड़ रहे हो तो माने आप संविधान से बगावत कर रहे हो,
आप शासन से बगावत कर रहे हो। दूसरा, अगर ये अधिकार दे दिया जाए मूल अधिकार छोड़ने का, तो सरकार इतनी शक्तिशाली है आपसे कई जगह जगह सिग्नेचर करवा लेगी कि आपने ये अधिकार छोड़ा है, आपका शोषण शुरू हो जाएगा, क्योंकि सरकार का स्वभाव है निरंकुश बनने का, और मूल अधिकार सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। आप मूल अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, पहली क्लास में आपको बताया था। अब अगर ये अधिकार दे दिया जाएगा कि हम मूल अधिकार को छोड़ दें, तो सरकार मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने प्रभाव का उपयोग करके कई जगह ये साबित कर देगी कि आपने अपने मूल अधिकार को छोड़ा है, और आप पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, माने सरकार आपका दमन कर सकती है। आज सरकार पर लगाम लगी हुई है कि वो छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छोड़ सकता, व्यक्ति छोड़ना भी चाहेगा तो नहीं छोड़ सकता, आप उसका छीन नहीं सकते अधिकार है। हाँ, वहां तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में तो अलग बात हो गई ना, सरकार की मनमानी तो नहीं चल पाएगी ना। देखिए, मूल अधिकार को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये शासन से, संविधान से बगावत का सूचक है। मूल अधिकारों को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि अगर ये अधिकार दे दी जाए मूल अधिकार को छोड़ने का, तो इसकी दुरुपयोग शुरू हो जाएगा। एक सास कहेगी कि मेरी बहू मरना चाहती थी, हमने तो उसको सब सहयोग किया है उसकी इच्छा की पूर्ति में, उसने निर्णय कर लिया था कि मुझे नहीं जीना है, उसने कई मौकों में कहा था कि हम मरना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम नहीं जीना चाहते, उसने अपने अधिकार का त्याग कर दिया, जीवन के अधिकार का, कह सकती है, और सास अपने मनमानियों से मुक्ति पा सकती है कोर्ट में। ठीक, ये सास को छोड़ो, शासन सरकार आपके साथ ऐसे बहुत व्यवहार कर सकता है कि मिस्टर एक्स ने अपने मूल अधिकार का त्याग कर दिया, अब मिस्टर एक्स को ये काम करना ही पड़ेगा, उसको ये रियायतें नहीं दी जाएंगी। ठीक, तो मूल अधिकार शासन की निरंकुशता पे अंकुश लगाते हैं, मूल अधिकार लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक, तभी तो वो मूल है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने अभी हमने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, इनमें लिखाया भी जा सकता है विस्तार से, यहां हम नहीं पहुंच रहे हैं। छोड़ो, बस इसको क्या करना, रिवीजन करना, हमारे वीडियो सुन लेना, हाँ हमारा वीडियो सुनना, आप हमारा लाइव वीडियो सुन लीजिएगा। इसके अलावा इसका आप जब रिवीजन करेंगे कहीं कंफ्यूजन होगा, आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा, इसलिए लिखा रहा है कि अभी तक सिविल की परीक्षा में यहां से प्रश्न बना नहीं है, इसलिए छोड़ रहे हैं। ठीक, अभी तक नहीं बना, हो सकता आगे बन जाए, क्योंकि ये चीजें उनसे क्यों, हाँ वो दो ही कम से कम 3-4 हाँ 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 बता रहे हैं कि हमारे दिमाग बराबर था, अगर ये क्लास जो है 10 बजे से होती सपोज, तो शायद हम जो है कुछ एमसीक्यू आपको कराते हैं। क्लास 9:30 बजे से है, उसमें भी हम 5 मिनट थोड़ी सी देर हो गई ना, एमसीक्यू मेरे बराबर दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन बस जो है समय नहीं मिल पा रहा है। जब हमने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वहां से जो हमने चैप्टर पढ़ाया है, वहां से एक दो एमसीक्यू मेरे दिमाग में बराबर है करवाने हैं आपसे, रखता है कल मौका मिले हमें, कल अगर मौका मिलता, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आज 3 बजे फिर निकल जाएंगे क्लास अटेंड करने, फिर वहां से आएंगे शाम को, दूसरे दिन फिर यहाँ क्लास अटेंड आपको करानी है, तो चीजें मौका भी मिल नहीं रहा है। किदवई नगर, किदवई नगर, किदवई नगर। अच्छा, ये अनुच्छेद 13 खत्म हो गया। ठीक, सार जो प्रश्न बनेंगे अनुच्छेद 13 से, मूल अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 13 संविधान को सुप्रीमेसी देता है, संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर अनुच्छेद 13 संविधान के प्रावधानों को सुप्रीमेसी देता है, अनुच्छेद 13 हमारे न्यायपालिका को जुडिशल रिव्यू का पावर देता है। ठीक, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे या उसको कम करे, मगर संविधान संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को छीना जा सकता है, मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है, मगर जिस मूल अधिकार को छीना जा रहा है, जिस मूल अधिकार को कम किया जा रहा है, वो मूल अधिकार हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर है तो संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जैसे हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध है अनुच्छेद 25 में,
संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 25 में कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि हमको मेरी अंतःकरण की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए। तो संविधान संशोधन करके भी हमको मेरे अंतःकरण की स्वतंत्रता के मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सामान्य तौर पर संसद तो कोई कानून कभी बनाएगी नहीं कि जो मूल अधिकार को कम करे, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को कम किया जा सकता है। मगर जब संविधान संशोधन से मूल अधिकार को कम किया जाएगा तो वो मूल अधिकार हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो संविधान संशोधन भी नहीं माना जाएगा। ठीक, ये सब चीजें जो है आपके अनुच्छेद 13 से संबंधित है। अब अनुच्छेद 14 ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान के जो बहुत महत्वपूर्ण चंद अनुच्छेद हैं उन्हीं में से एक है अनुच्छेद 14, कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो अनुच्छेद 14 पे आते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, खूब अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। ये जो है प्री और मेंस हर लिहाज से जरूरी है, इसका प्रयोग आप अपने ऐसे में भी कर सकते हो। अगर इसको आपने समझ लिया कानून के समक्ष समता, तो उसका प्रयोग आपको ऐसे में मिलेगा, आपको मेंस में मिलेगा, प्रीलिम्स तो ही। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में दो तत्व हैं, इसमें आपको दो वाक्यांश मिलेंगे, दो फ्रेज मिलेंगे। एक तो मिलेगा कानून के समक्ष समता, कानून के सामने हर कोई समान है। एक तो है कानून के समक्ष क्या है, समता, एक तो यह है, अभी समझिए। और उसमें दूसरी चीज है कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों, अभी सब समझिए क्या लिखेगा नहीं, कानूनों का समान संरक्षण। ठीक, पहले आर्टिकल 14 की जो है वो जो लैंग्वेज है उसको लिख लीजिए, पहले अंग्रेजी में लिखिए, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वलिटी ऑफ लॉ, द इक्वलिटी ऑफ लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन द इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हिंदी में लिख लीजिए, राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राज्य के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि माने होता कानून, किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, अब देखिए,
कहा राज के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, राज को कमांड किया गया है, राज को आदेश दिया है संविधान ने, यह व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि हमको ये विधिक समता चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यक्ति से नहीं कहा गया, राज को कमांड किया गया कि आप व्यक्तियों के बीच में कानून के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। हाँ, राज के द्वारा भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति की बात की जा रही है, नागरिक की बात नहीं की जा रही है, व्यक्ति व्यक्ति माने वो देश का नागरिक हो सकता है, हमारे देश में बाहर से आया कोई व्यक्ति हो सकता है, राज को आदेश दिया गया है, कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कानून के सामने समता का व्यवहार नहीं चाहिए, तो व्यक्ति कहने से क्या हुआ, ये व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो कहे कि मुझे कानून के सामने समानता चाहिए कि नहीं चाहिए, ये राज पर कहा गया, राज पर थोपा गया, राज को कमांड किया गया है कि राज तुम किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने समानता के व्यवहार से किसी को वंचित नहीं करोगे। बात समझ आ रही है, राज पर एक ऑर्डर है, राज पर एक कमांड है, विधि कानून सिर्फ समता। हाँ बताइए, अभी तो इतने में रहिए कि क्या लिखा गया, बस इसी पर आप अभी सीमित रहिए, क्योंकि हो सकता है उसका पालन किया जा रहा हो, समझ ना पा रहे हो, क्योंकि अभी तो आपने शुरुआत ही किया, आपने इसको समझे कहां है। देखिए, कानून के समझ समता का अर्थ क्या था उसको समझिए। प्राचीन भारत में क्या था, समाज जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभक्त था, ठीक, और इनके बीच में कानून के सामने समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता था। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा कानून के द्वारा, क्षत्रिय के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा कानून के द्वारा, वैश्य के साथ अलग है और शूद्र के साथ अलग है, एक ही अपराध के लिए। तो क्या एक कानून के सामने समानता के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण के साथ सबसे ज्यादा रियायत की जाती थी, और उसके बाद निचले पायदान में जो क्षत्रिय हैं उनके साथ कुछ कठोरता, उसके नीचे वैश्य हैं वैश्य के साथ और कठोरता, उसी अपराध के लिए शूद्र के साथ बेहद कठोरता का प्रयोग किया जाता था। माने इक्वलिटी बिफोर लॉ समाज में नहीं था। इतना ही नहीं, समाज में जो उच्च वर्ण के लोग थे, सो कॉल्ड अपर कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय, इनके पास विशेषाधिकार थे, शिक्षा का अधिकार था, शासन का अधिकार था, सामाजिक प्रतिष्ठा का अधिकार था। उन जो नीचे के वर्ण के थे उनको ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना उनको अपने मन से अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है, उनको ना उनको शासन और प्रशासन में कोई उच्च पद प्राप्त कर सकते, हर तरीके से उनको वंचित करके रखा गया था। निचला वर्ग विशेषाधिकार विहीन वर्ग था और उच्च वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। माने क्या यह समाज में कानून के सामने समानता का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि राज अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के सामने समानता का प्रयोग करेगा, कानून के समक्ष समता से वंचित किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून के आगे एक, चाहे व्यक्ति ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, कानून के आगे एक समान है। चाहे व्यक्ति उच्च अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, या एक निचला अधिकारी हो, निचला कर्मचारी हो, ऑफिसर हो नॉन ऑफिसर हो, कानून के आगे एक, कानून सबके साथ समान व्यवहार किया करेगा। न्याय की देवी ने आंख में पट्टी बांध ली है, हम नहीं देखना कि आपकी जाति क्या है, हम नहीं देख रहे हैं कि आपका लिंग क्या है, हम नहीं देख रहे हैं कि आपका समाज में रुतबा क्या है, हम नहीं देख रहे हैं कि आप धनी हो कि निर्धन हो, हम नहीं देख रहे हैं कि समाज में आप कई बड़े अधिकारी हो या एक सामान्य पुरुष हो। माने इस मामले में हमने आग बंद कर ली है, हम बस न्याय करेंगे, कानून सामने हर कोई समान है। अगर हत्या का जो दंड है वो बड़े अधिकारी को मिलेगा तो वही दंड निचले कर्मचारी को मिलेगा, जो अमीर को मिलेगा वही गरीब को मिलेगा, जो स्त्री को मिलेगा वही पुरुष को मिलेगा, हर जाति हर धर्म कानून के आगे हर कोई समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, हर कोई कानून के अधीन है, कानून के अंडर है, कानून सबसे बड़ा है।
समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको सरकार द्वारा विशेषाधिकार दिया जाए, जिसको कानून द्वारा विशेषाधिकार दिया जाए। समाज में विशेषाधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति कोई वर्ग नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन एनी क्लास, यह है कानून के सामने समानता, विधिक समक्ष समता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल, अपवाद होंगे, सब कुछ बताया जाएगा आपको, हर चीज का अपवाद होता है। ठीक, तो लिख लीजिए, लिखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है कानून के समक्ष समता, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है, ये वहां से ओरिजिनेट हुई है, कानून के समक्ष समता। लिखिए, अनुच्छेद 14 में दो वाक्यांश दिखाई पड़ते हैं, अनुच्छेद 14 में दो वाक्यांश, टू फ्रेजेस कैन बी सीन इन आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 में दो वाक्यांश दिखाई पड़ते हैं, नंबर एक कानून के समक्ष समता, नंबर एक कानून के समक्ष समता, और नंबर दो कानूनों का समान संरक्षण, और नंबर दो कानूनों का समान संरक्षण। ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ फर्स्ट एंड सेकंड है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और कानूनों का समान संरक्षण। अब लिखिए, कानून के सामने समानता का सिद्धांत, कानून के सामने समानता का सिद्धांत, का उद्भव, कानून के सामने समानता का सिद्धांत का उद्भव माने ये ओरिजिनेट हुआ है, का उद्भव ब्रिटेन से हुआ है, का उद्भव ब्रिटेन 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 से हुआ है, का उद्भव ब्रिटेन से हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ करके डैश करके 1 2 3 4 करके लिखिएगा, जिसका अर्थ है डैश करके फिर एबीसीडी करके लिखिएगा, जिसका अर्थ है समाज में, समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। बस समझ आ गई, समाज में किसी भी व्यक्ति या वर्ग को कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, चाहे भारत हो, लिखिए लिखिए नहीं समझिए, चाहे भारत हो या यूरोप हो, हर जगह समाज में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहे हैं। इस प्रकार विश्व का हर समाज में असमानता देखी गई है, विश्व के हर समाज में ये कानून के समक्ष समता का सिद्धांत नहीं पाया गया। ये बाद जब पॉलिटी डेवलप हुई तब ये भावना आई कि हर कोई को कानून के सामने समान ट्रीट करना चाहिए। हैं? 11 बज गए? ये तो एक प्रतीक तो बना लिया गया है, जब हम कहें कानून के सामने हर कोई समान है तो उसको हम कैसे अभिव्यक्त करेंगे? अब ये हमें पता। हाँ 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 भारत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कानून में समता का जो सिद्धांत हम ले रहे हैं ये तो हम बाहर से ले रहे हैं। ये अब क्योंकि ये इस बात को इंगित कर रहा है कि कानून के सामने हर कोई समान है, तो जहां से सिद्धांत आया है उसी सिद्धांत को जो है हमने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति दी है,
उसी सिद्धांत को। अच्छा है, अच्छा देखिए इसको जल्दी समझ लीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं कि समाज जिसमें किसी भी समाज में आप जाइए आपको हमेशा जो है वहां पर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग दिखाई पड़ेगा। भारत में भी ऐसा रहा है, विदेशों में भी रहा है, उसी को यहां रोका गया है कि हर कोई कानून के सामने समान है। ठीक, उसी बात को यहां पर रोका गया है कि समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। पॉइंट टू, इसका अर्थ है पॉइंट टू, हाँ हाँ इसके पॉइंट तीन है उसको लिख लीजिए। पॉइंट टू, देश में सभी व्यक्ति, देश में सभी व्यक्ति, देश में सभी व्यक्ति देश के सामान्य कानून के अधीन होंगे। देश में सभी व्यक्ति देश के सामान्य कानून के अधीन होंगे, कानून के अधीन होंगे। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। देश में सभी व्यक्ति देश के सामान्य कानून के अधीन होंगे, माने कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक, चाहे ऑफिसर हो चाहे नॉन ऑफिसर हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, हर कोई कानून के अधीन है, कानून सर्वोपरि है। ठीक, कानून की सर्वोच्चता है, सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, सब्जेक्ट टू अधीन माने सब्जेक्ट टू, देश में सभी व्यक्ति देश के समान कानून के अधीन होंगे, चाहे अमीर हो या गरीब, लिखिए इसी में जोड़िए, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे अमीर हो या गरीब, अमीर हो या गरीब, उच्च हो या निम्न, उच्च हो या निम्न, सरकारी अधिकारी, सरकारी व्यक्ति हो या निजी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति हो या निजी व्यक्ति, पॉइंट थ्री कानून की सर्वोच्चता, पॉइंट थ्री है कानून की सर्वोच्चता, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, कानून से अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं, अर्थात लिख लीजिए, अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं, ठीक। टाइम क्या हो रहा है?